This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि बजट में किसान कल्याण के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाओं की आवश्यकता है। कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को द्रास जाएंगे व कारगिल वॉर मेमोरियल पर जाएंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। केरल से सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद वी शिवदासन ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्हें सिख फॉर जस्टिस से धमकी भरा कॉल आने का दावा किया है। विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को आज पुणे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। दो दिनों की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही है। आज से शुरू होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले 9 में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 9 जिले में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाएं आज 6 बजे तक अस्थायी रूप से निलंबित है। सावन के पहले सोमवार पर देश भर के मंदिरों में देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। नीट यूजी मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी में कावड़ रोड पर ढाबे होटल और रेहड़ी वालों को अपना नाम लिखने की अनिवार्यता के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में नौसेना के जहाज में आग लगी जिस पर काबू पा लिया गया है। 21 जुलाई 2024 की शाम को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में मरम्मत के दौर से गुजर रहे भारतीय नौसेना के जहाज में आग लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पहले देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज सावन का पहला सोमवार है। इस पावन दिन पर एक महत्वपूर्ण सत्र शुरू हो रहा है। मैं सावन के पहले सोमवार पर देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। यूपी में 10 सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हाई कमान के बीच बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक के सूत्रधार प्रियंका गांधी वाड्रा थी। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। बारिश को देखते हुए रायगढ़ समेत कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। शाह ने अपने बयान में जाकिर नाइक का भी जिक्र किया है। महाराष्ट्र में जनवरी से जून 2024 तक 1267 किसानों ने आत्महत्या की जिसमें 557 विदर्भ क्षेत्र के अमरावती मंडल से हैं। छत्रपति संभाजीनगर मंडल में 430 किसानों की मौत हुई है। एनसीपी शरद पवार गुट की प्रवक्ता सीमा मलिक ने कहा कि बीजेपी आज के समय में वॉशिंग मशीन बन चुकी है। कोई भी भ्रष्ट नेता उनकी पार्टी में आ जाता है तो वह दूध का धुला हो जाता है। अजीत पवार ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव जब भी होंगे समाज के सभी वर्गों से नए और पुराने चेहरे मैदान में उतारे जाएंगे। शरद पवार और सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात से पहले प्रदेश की सियासी गलियों में हलचल है। दोनों की मुलाकात सोमवार को दोपहर होगी। चंद्रशेखर बावनकुए ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें कुछ सीटों का नुकसान हुआ है लेकिन उनका मतदाता आधार अब भी मजबूत बना हुआ है और इसे लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिल्म धर्मवीर 2 के कई डायलॉग्स ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसे महाराष्ट्र की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है और ऐसे में इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।